सो बेसिकली गाइस बहुत सारे लोगों को इस वॉच में इश्यूज हैं, मतलब फायरबोल्ट की रिंग प्लस में, और वो इश्यूज आज हम लेने वाले हैं सारे के सारे। और इसके बाद मेरे ख्याल से इस वीडियो के बाद आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा फायरबोल्ट की रिंग प्लस से रिलेटेड, ठीक है। इसका मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो वैसे फिलहाल को। और अगर आप चैनल पे आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। वैसे लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। इसको रखते हैं साइड में, अब हम आते हैं अपने मेन यूनिट के ऊपर और चेक करते हैं यहाँ पे क्या क्या इशूज़ हैं। तो गाइज ये रही हमारी वॉच इटसेल्फ, और यहाँ पे लुक और फील तो प्रीमियम है ही, मैं इसको यूज़ कर रहा था बेसिकली। और यहाँ पे अभी यहाँ पे वॉच फेसेस भी आप इससे चेंज कर सकते हो और अपनी पिक को भी एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। बट अगर इश्यूज आ रहे हैं आपके में तो वो इश्यूज मैं रिजॉल्व करूंगा। सबसे पहला इशू ये आता है कि वॉच तो है आपके पास, ये स्ट्रैप्स इंटरचेंजेबल है कि नहीं। यस, इंटरचेंजेबल है। 42mm का एप्पल टाइप का स्ट्रैप आपका लगेगा और आप इसको आफ्टर मार्केट से भी ले सकते हो और इवन अमेजोन पे भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ स्ट्रैप्स की मैं लिंक दे दूंगा, जैसे कि आपको अगर चाहिए तो आप चूज कर सकते हो वहां से। और यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही आती है, एप्पल के लुक को रिजेंबल करती है। और गाइस ये आपकी किस रिस्ट के लिए बेटर है, लास्ट मीडियम थिन रिस्ट पे भी चल सकती है। यस गाइज ये देखो मीडियम रिस्ट पे ऐसी लग रही है और थिन रिस्ट पे चल जाएगी, बट ज्यादा थिन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब एकदम स्किनी रिस्ट पे आप यूज करो, नहीं चल पाएगी। वैसे लुक और फील बहुत ज्यादा प्रीमियम आता है इस वॉच का, देख सकते हो इस तरीके से, और मेरे को तो बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रही है वॉच, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले मतलब कैसे पेयर करना है, किस तरीके से कैसे, उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे यहाँ पे आपको टॉगल मेन्यू मिल जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वैसे इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू कर रखा है, उसमें सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं। बट यहाँ पे अगर सपोज आपके वॉच में, अगर आपके फ़ोन में पेयर नहीं हो रही है, या मतलब एकदम से बहुत टाइम से आपने इसको पेयर नहीं कर रखा है और आप दोबारा से इसको पेयर करना चाहते हो, आपको करना क्या है, दाफिट एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है। दैट्स इट, दाफिट हमारी कहाँ पे है, ये रही नोटिफिकेशन में ही है यहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो दाफिट एप्लीकेशन ये रही ओपन हो चुकी है और यहाँ पे ब्लूटूथ आपको अलाउ कर देना, साथ में लोकेशन सर्विसेज भी ऑन रखनी है, देन ओनली ये पेयर होगी, वरना पेयर नहीं होगी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इधर जाना है, ये इंटरफेस है और इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो आप चेक कर लेना यहाँ पे इंटरफेस। ये देखो यहाँ पे ये आ चुका है और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये कौन सी वॉच पेयर हो गई है, आई डोंट नो, यहाँ पे यही वाली पेयर हुई कि कोई और, BSW 5 चेक कर लेता हूँ यहाँ पे वर्जन, ओके यही वाली पेयर होगी ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे कॉलिंग फीचर नहीं काम करेगा अभी फिलहाल, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जब मैं ये कॉलिंग वाला ऑन करूंगा देन ओनली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आ तो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ब्लूटूथ में जाके मतलब मैनुअल जाके वहाँ पे पेयर कर सकते हो अगर नहीं आता है तो, ठीक है। फिलहाल तो नहीं आ रहा है तो हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड से ब्लूटूथ में और यहाँ पे ओके कनेक्टेड है, देखो मैंने जैसे ऑन किया यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे यहाँ पे ऑडियो प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये रहा ऑडियो प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, देख सकते हो। और यहाँ पे आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, तो वॉच इटसेल्फ मैं आपको दिखाता हूँ सुना के सॉन्ग। सबसे पहले अगर मेरे फ़ोन में है तो ज़रूर सुनाऊंगा, देखते हैं के ट्रैक्स पे चलते हैं यहाँ पे, कोई बिना कॉपीराइट वाला हो। तो फुल आवाज है ये, ठीक है आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, अच्छा खासा लाउड है गाइस, क्लियर भी एकदम देख सकते हो। और गाइस एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में मेरे ख्याल से शो करेगा, नाम शो नहीं कर रहा है, स्टॉप प्ले कर सकते हो, वॉल्यूम भी अप डाउन कर सकते हो। ये फीडबैक अच्छा लगा इसमें, वॉल्यूम टक टक करके आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा ना हो, मतलब कि उनके में जो, अब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि मतलब ऑडियो सारी की सारी वॉच से आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सा मैंने हर वीडियो में बताया, यहाँ पे जाना है आपको ऑडियो प्रोफाइल ऑफ कर देनी, दैट्स इट। अब गाइज ये इशू आपके में नहीं आएगा, देखो यहाँ पे इसमें हो रहा है, अब इसमें नहीं आएगा, बट उसके साथ साथ यहाँ पे कॉल लगेगी। यस ये अच्छी बात है, मतलब अगर आप वो भी डिस्कनेक्ट भी कर दोगे तो कॉल लगेगी। ओके इसमें भी सेम इशू है, फायरवॉल ने कहीं ना कहीं ये गेम खेला है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब जैसे ही कॉल्स वाला ऑन है उसके बावजूद भी मतलब ऑडियो नहीं लग रही है, तो ये एग्जैक्टली एटम की तरह है, मुझे लग रहा था हो जाएगा विजनरी की तरह होगा ये, बट विजनरी की तरह नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो ऑडियो प्रोफाइल ऑफ करते ही यहाँ पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये फ्लॉ है इस वॉच में। और यहाँ पे आप
मैन्युअली आप ऑफ नहीं कर सकते जबकि आपकी ऑडियो सारी की सारी वॉच में ही आएगी, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे आईओएस डिवाइस में, आईओएस डिवाइस में होता है कि नहीं होता ऐसा, ठीक है? तो वो हम अभी छोड़ देते हैं, तब तक हम इसको पेयर करते हैं स्टार्टिंग से, कैसे क्या इशू अगर आपके में आ रहा है तो वो आपको कैसे करना रिजॉल्व। देखो सबसे पहले आपको इसको रीसेट कर देना है, रीसेट करने के बाद आपको एप्लीकेशन दाफेट इंस्टॉल करनी है, दाफेट इंस्टॉल करने के बाद आपकी पेयर हो जानी चाहिए, ठीक है? नहीं हो रही तो दो चीज़ ऑन करनी है आपको, ध्यान रखना है आपको ब्लूटूथ और लोकेशन सर्विसेज ऑन रखनी है। उसके साथ साथ ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है? आपको करना क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सपोज नोटिफिकेशन आपके में नहीं आ रहे तो सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। मैंने कुछ ऑफ कर रखे हैं, यहाँ पे ऑन कर सकते हो। अदर्स ऑन कर दोगे तो सारे के सारे और भी अदर एप्लीकेशन के भी आने लगेंगे इसमें नोटिफिकेशन, ठीक है गाइस? तो अदर्स ऑन नहीं करना है, ध्यान रखना आपको सारे के सारे आ जाएंगे, नहीं तो मैं अदर्स ऑफ ही रखता हूँ बेसिकली। तो ये हो गया। और अलार्म आप इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते, आपको एप्लीकेशन में लगाना पड़ेगा। और अलार्म में आपका वाइब्रेट होती है, रिंग नहीं करती है वॉच, ये ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ साथ यहाँ पे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स कितने ऐड कर सकते हो, अप टू 80 कॉन्टैक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। और कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद आपके वन सेकेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे फोन कॉल, यहाँ पे कॉन्टैक्ट में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे करना क्या, ऐड पे जाना है और ऐड के बाद सिंक्रोनाइज कर देना है आपके फोन में जो भी है। बस 8 ही हो सकते हैं इससे, उसके ज्यादा नहीं हो सकते। अदर्स में मेन यहाँ पे क्राइटेरिया रहता है, उससे पहले हम अपडेट पे चेक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर अप टू डेट है यहाँ पे, एज सच कोई अवेलेबल नहीं है तो हम इसको बैक करते हैं। अब यहाँ पे वॉच फेस भी चेक कर लेते हैं, फेस गैलरी पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे वॉच फेस आ चुके हैं, ठीक है? अब सपोज आपको कोई सा भी लगाना तो आप यहाँ से लगा सकते हो प्रॉपरली, ठीक है? अभी लोड हो रहे हैं और भी, तो हम एक काम करते हैं अपने पिक को ऐसा वॉच फेस लगा के देखते हैं यहाँ पे, वो भी आप लगा सकते हो। देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है ही यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चूज ऑन कर सकते हो, ठीक है? फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, यहाँ पे नया कुछ मतलब आया है ये टाइप का, तो इसमें आपका दाफेट एप्लीकेशन में ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे ये लगना स्टार्ट हो जाता है मेरे ख्याल से ही रहा, देखो। और ऐसा भी नहीं कि बहुत टाइम लेता है, जल्दी हो जाता है ये। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही कमाल की लग रही है, और पूरा का पूरा एप्पल का लुक दे रही है, ठीक है? और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे अदर्स पे चलते हैं जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है? अदर्स में आपको फाइंड डिवाइस का ऑप्शन मिलता है, वॉच वाइब्रेट होने लगती है और इसको टैप कर दो, ये हो जाएगा। 24 आवर टाइम फॉर्मेट आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जैसे ही आप करते हो यहाँ पे चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली। डो नॉट डिस्टर्ब का मोड मिल जाता है, रिमाइंडर्स टू मूव का ऑप्शन भी मिलता है आपको यहाँ पे। कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर अगर आप ऑन रखते हो तो ज़्यादा बैटरी खाएगी, ध्यान रखना आपको। म्यूजिक कंट्रोल फोन, अब आपका यहाँ पे वॉच में म्यूजिक कंट्रोल होगा, अगर आप यहाँ से प्ले पॉज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है? और वेदर की मैं क्या बोलूँ, वेदर ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है? अगर आपने लोकेशन ऑन कर रखी है। बैटरी सेविंग यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो, देखो डिम और ब्राइट हो जाता है। और यहाँ पे 30 सेकंड तक का मैक्सिमम आपको वेक टाइम मिलता है, तो ये भी है। रीसेट है और क्विक व्यू का ऑप्शन है, क्विक व्यू मतलब रेस टू वेक है बेसिकली, ठीक है? अब यहाँ पे क्विक व्यू सपोज मैं बंद कर देता हूँ, अब क्या करते हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। सपोज हम हाथ में पहनते हैं तो क्विक व्यू काम करता है कि नहीं करता, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैं सारे के सारे इश्यूज ले लेना चाहता हूँ इसी वीडियो में, ताकि बाद में आपको इशू ना हो कोई भी। तो यहाँ पे ऑफ हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखो नहीं हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्विक व्यू ऑन कर देना है, ऑल टाइम ऑल डे, ठीक है? देखो ऑन हो गया इस तरीके से। तो क्विक व्यू मतलब रेस टू वेक ही है आपका, आपको उसको ऑन कर देना है। थोड़ा सा लेट होता है बट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है? ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ड्रिंक वाटर रिमाइंडर ऑन रखना है तो ऑन रख सकते हो, ये वाला भी आपका। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर सकते हो, हार्ट रेट वार्निंग आप चूज करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, जब ज़्यादा होगा आपका हार्ट रेट यहाँ पे वार्निंग दे देगा। और यहाँ पे आप इवन वेदर आप कहीं का भी चूज कर सकते हो, वैसे फिलहाल तो मैंने फरीदाबाद का चूज कर रखा है क्योंकि मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। आप दिल्ली का भी, मुंबई का भी, कोई सा भी वेदर यहाँ पे लोकेशन है, वेदर अपडेट्स ले सकते हो। और यहाँ पे फीमेल हेल्प ब्रेकिंग का ऑप्शन तो है ही। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार, वैसे कॉल क्वालिटी तो मैंने रिव्यू में बताई रखी थी वैसे मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखना कॉल मिल जाएगा, देखो ठीक है, लाउडनेस भी अच्छी है और यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, और यहाँ से ट्रांसफर भी कर सकते हो, और यहाँ पे वॉच में ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से कट का ऑप्शन मिल जाता है। और वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब वॉइस असिस्टेंट काम नहीं करता आपका, वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पे बेटर काम करता है। मैं दिखा देता हूँ एक बार, व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद, तो प्रॉपरली सुना नहीं इसने एक्चुअली। सेट अलार्म फॉर 3 PM।
सेट अलार्म फॉर 4 PM. तो इस तरीके से आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे अलार्म वाला मेरे ख्याल से दिखा देना चाहिए जब आप जैसे इसमें वो कर दोगे. अब गाइस यहाँ पे हार्ट रेट, SPO2 सब चीज़ें मैंने चेक करके आपको दिखाई दी ऑलरेडी, बट कॉल आती है तो क्या फीचर मिलते हैं आपको इसमें वो चेक कर लेते हैं. बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि मतलब आपको सेटिंग में जाके वो जो ऑप्शन होता है ना, मतलब रिंग प्लस वाइब्रेशन या वाइब्रेशन ओनली या म्यूट का ऑप्शन, वो इसमें नहीं मिलता है, ठीक है. वो हम चेक करते हैं एक बार, कॉल आती तो क्या यहाँ पे रिंगटोन बजेगी या ओनली वाइब्रेट होगा, चेक कर लेते हैं. कॉल कर दिया गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो रिंगटोन इसमें आ रही है, वो वाली जो वॉच में लगी है, मतलब फ़ोन में लगी है, और साथ में यहाँ पे वाइब्रेट भी कर रही है, ठीक है. और यहाँ पे इस तरीके से मैं उठा सकता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ से कट कर सकता हूँ. तो ये ऑप्शन आता है आपको इन द वॉच इटसेल्फ, ठीक है. और तो इसके अलावा तो कोई इशू नहीं होगा. आप अगर डिस्कनेक्ट करना चाहते हो कॉलिंग वाला फीचर, इसको ऑफ कर दो और आपकी ये एज अ फिटनेस वॉच यूज़ होगी, दैट्स इट. अब कॉल नहीं लगेगा. दूसरा, अगर आपको कॉलिंग की तरह यूज़ करना है, आपको इसको ऑन कर देना है, दैट्स इट, आपकी कॉलिंग वॉच बन गई, ठीक है. तो इस तरीके से मिल जाता है आपको, और ये बहुत ही कमाल की लग रही है इन द हैंड इटसेल्फ. और यहाँ पे ये मेन्यू तो मिल ही जाता है इस तरीके से, और ये क्राउन बटन आपका इसमें मेन्यू में भी काम करता है, ठीक है, राइट. तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मिल जाता है. ये तो हो गया गाइस सारे के सारे इश्यूज का रिजॉल्विंग वीडियो. अगर आपका क्वेरी इसके अलावा भी रह जाता है इस वॉच के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो जरूर मेरे से कमेंट बॉक्स में. वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में फॉर टेकवॉक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय.